Start with the sacrosanct name of Allah, who is the most merciful and perpetual always. First of all, I am very thankful to our respective teacher, Sir Dr. Manoj Kumar, and as well as all staff of Doctors Academy, who have given me this particular chance for speaking in front of you people. I am Muhammad Nabeel from District Irabuti and student of LMC Lorelai. So today we have arranged our particular presentation, which is about career building. यानी जो आज हमारी बात होगी, डिस्कशन होगी, वो करियर बिल्डिंग पे होगी. यानी कि आप लोग कुछ स्टेप्स पे सीखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे आगे जाना है, कैसे मूव करना है और कैसे आप उसको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज से आगा कर सकते हैं और कैसे हम अपनी कामयाबी तक कामयाब हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. पहली बात याद रखें, यहाँ पर एक से याद करें कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है. अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है. दुनिया में कोई भी फील्ड हो, कोई भी जगह हो, कोई भी चीज एक्सपेक्टेशन हो, कोई भी ऐसी टारगेट हो, वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग इंसान है और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं. उस कोशिश के बिना पर हमें मेहनत करनी चाहिए. उस कोशिश का रिजल्ट हमें एक दिन अल्लाह ताला देगा. तो इससे ये साबित हुआ कि हम कोई भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने लिए, कोई भी अपॉर्चुनिटीज हासिल करने की कोशिश करें या कोई भी जगह तक पहुंचने की कोशिश करें, वो सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है. हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं और हमें कोशिश भी करनी चाहिए. अगर हम कोशिश करेंगे तभी तो जाकर हम एक स्टेज पे पहुंच सकते हैं, एक जगह पे पहुंच सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं. जी, व्हाई आर यू हियर? आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? कितने मंथ से आप लोग आ रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह शाम लाइब्रेरी एकेडमी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी और कोई दुनिया ही नहीं. देखिए क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने कुछ टारगेट बनाए हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाया है कि हमने वहां तक जाना है, हमने एक चीज अपॉर्चुनिटी गेन करनी है. इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं. अपनी एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को लेकर दिन में 50 बार सोचते होंगे आप लोग कि मेरे पेरेंट्स मेरे क्या सोचते हैं, मेरे भाई बहन मेरे क्या सोचते हैं, मैं कहाँ तक जाना है. इसीलिए आप लोग यहाँ पर है. अपनी नींद खराब करके सुबह सुबह यहाँ पर आना किसी की बस की बात नहीं है भाई. कोई नहीं चाहता सुबह नींद खराब होकर उनका कह दी जाए. क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ बनने के लिए आ रहे हैं, कुछ समझने के लिए आ रहे हैं, अपनी करियर को बनाने के लिए आ रहे हैं, तभी तो आप लोग यहाँ पर हैं. What do you mean by career? Career किसे कहते हैं? The work which you have planned for your future, that is called career. यानी वो काम जो आपने अपने future के लिए सोचा हुआ है, वही तो career है. आप लोग से हजारों जितने भी students हैं, वो career में doctor बनना चाहते हैं, और इंशाल्लाह बनेंगे भी. डॉक्टर बनना या किसी से कोई भी चीज पे जाना, कोई भी फील्ड अचीव करना, कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है. हाँ, जरूरी है उसकी दरमियान मेहनत करनी चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेप्स समझने चाहिए, वहां तक पहुंचने के लिए तरह तरह की मेहनत की जरूरत है, तभी तो जाके वो गेन होगा. हम एजुकेटेड होंगे तो गेन होगा. एजुकेशन ही वो वाहिद जरिया है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है. जी, एजुकेटेड ही क्यों? Why education? क्योंकि एजुकेटेड होंगे तभी तो टारगेट अचीव करेंगे. एजुकेटेड होंगे तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे. एजुकेटेड होंगे तभी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे. एजुकेटेड होंगे तभी तो ताकि बाहर तो देगी. एजुकेटेड होंगे तभी तो बाहर के मुल्कों में जाना पड़ेगा. एजुकेटेड होंगे तभी तो ऐसे सेशन करने पड़ेंगे. एजुकेटेड होंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे. एजुकेटेड होंगे तभी तो स्टेट पे जा सकते हो. एजुकेटेड होंगे तभी तो किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट कर सकते हो. एजुकेटेड होंगे तभी तो आपके साथ कॉन्फिडेंस होगा. एजुकेटेड होंगे तभी तो आपके पेरेंट्स फखर ही कह सकते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर है. एजुकेटेड होंगे तो डॉक्टर होगा ना. इसलिए एजुकेशन, एजुकेटेड होना एक इंडिविजुअल के लिए मस्ट है और मस्ट है. इसीलिए तो हमें आगे बढ़ना है. यहाँ पर दो बच्चों की पिक्चर है, इस पर जरा गौर करें. एक बच्चा किसी के चाय बना रहे हैं, वेट कर वो बाकी बच्चे किसी वेट कर रहे हैं कि ये चाय बनाकर आए और हम चाय पिएंगे. क्यों? क्योंकि वो अनएजुकेटेड है और ये एजुकेटेड है.
अभी आप लोग ही फैसला करें किसी की चाय बनाएंगे या वेट करें कोई आपकी चाय बनाए। एक्जेक्टली, आप वेट करेंगे कोई आपकी चाय बनाए, वेट करेंगे ना किसी को कोई आपकी चाय बनाए। लास्ट की बात है, तभी तो आपने एजुकेटेड होना है, अपनी एक अपॉर्चुनिटीज को नहीं भूलना है, अपनी टारगेट को नहीं भूलना है, तभी तो जाकर आप जाकर किसी एक अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। तभी तो जाकर आपके अंदर से एक आवाज आएगी, जिसे जिस दिन अंदर की आवाज निकली उस दिन समझे आप कामयाब। उस दिन आपके अंदर एक जो दिल है वो खुद एक रास्ते बनाता जाएगा कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, मुझे यार एक चीज जगह पे जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है या एमबीबीएस करना है, तो मुझे बिना अपना स्टेप्स लेने किसी की बातों में नहीं आना है। क्योंकि आजकल की दुनिया भाई बहुत अजीब है, हर जगह पे डिसमोटिवेट करती है, हर जगह आपको डिसहार्ट करने के लोग मिलेंगे। बहुत कम लोग जो है आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप कर सकते हैं। करने की बात नहीं है, आप में पोटेंशियल है, आप में पावर है, आप में वो सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास एक्सपेक्टेशंस है, आपके अंदर दिल की आवाज है, आपके अंदर वो टारगेट है, तभी तो जाके आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है, तब आप कुछ नहीं कर सकते। बैरियर, व्हाट आर द बैरियर, वो बैरियर ही क्या है, वो रुकावट ही क्या है जो हमें एजुकेशन हासिल करने के लिए तरह तरह की मजबूर कर लेते हैं या अब हमारी प्रॉब्लम का सबब बन जाती है। उसमें सबसे पहला है नो वॉइस। नो वॉइस से मुराद है, मिसाल क्लास में केमिस्ट्री की क्लास चल रही है तो टीचर कहता है जी बेटा समझ आ रही है, हम सब सर हिला के कहते हैं यस सर समझ आ रही है, एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा होता, एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा होता, तुम हाँ में हाँ क्यों मिला रहे भाई, अपने आप क्यों जुल्म कर रहे अपने साथ, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, अपने लिए ना सही उनके लिए सोचो, वो क्या कह रहे हैं। आप सुबह सुबह आप लोगों को नाश्ता दिया जा रहा है, अच्छे बच्चों के कपड़े दिए जा रहे हैं कि भाई मेरा बेटा जाके पढ़ेगा, उनको ये तो नहीं पता बेटी के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने की अपने टीचर ही से कि मैं से पूछूं कि सर इसका आंसर क्या है, सर इसका जवाब क्या है, सर किस चीज को किसमें हम ध्यान कर रहे हैं। नहीं, हमने इसे रट्टे पे चलना है और इतना पता है कि हाँ मैं हाँ मिलाना है, क्यों, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अपने अंदर छाप कर देखो तभी तो कॉन्फिडेंस बनेगी। अपने अंदर से पूछो, अपने दिल से पूछो, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। अगर अपने अंदर कोई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए पहला और बस चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या डॉक्टर बनेंगे भाई, ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर जो दिल की आवाज है उसको चलने देना है। लास्ट है नो ड्रीम्स, ख्वाब ही नहीं है कोई, क्या करना है। ख्वाब वो नहीं होते जो सोकर देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं भाई जो सोने नहीं देते, ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। याद रखे आपने इस चीज को नहीं भूलना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मोटिवेट डिसमोटिवेट किया जा रहा है, वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स रहे हैं, स्ट्रेस पहले से है, तुम्हारा स्ट्रेस की बारिश कराया जाता है कि आपसे ये काम नहीं होगा, आज ये काम मुश्किल है, क्यों, क्योंकि मेरे फिलहाल फ्रेंड ने इतनी दफा ट्राई किया था नहीं हुआ तो आज ये कहा होगा। तो भाई फिलहाल फ्रेंड ने टेस्ट ट्राई किया था, मैंने तो नहीं, फिलहाल फ्रेंड को जानने तो नहीं हुआ, उनकी मर्जी, क्यों, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उनमें वॉइस नहीं था, उनकी कोई टारगेट नहीं थी, उनको एहसास नहीं था। मेन चीज है एहसास, अपने पेरेंट्स का जिस किसी को एहसास हो गया ना अपनी फैमिली का, वो कामयाब है, क्यों, क्योंकि वो मेरे जारी करता है, वो कभी भी पीछे नहीं हटता, उनको पता होता है मेरे दिल से क्या आवाज आ रही है और मैंने क्या करना है, तब जाके आवाज बनेगी, बात बनेगी। ब्रांड, आप लोग कानों ने देखा होगा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अक्सर एप्पल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या डेल लैपटॉप या टोयोटा की कोई चीज, क्यों, क्योंकि वहां एक ब्रांड बन चुके हैं। किसी के पास एप्पल होता है तो हम पकड़ लिए थे, वाओ दिस एप्पल मोबाइल, क्यों, क्यों, क्योंकि वो एक ब्रांड बन चुकी है, हमें पता है एक ब्रांड है, वो कामयाब एक चीज बन चुकी है कंपनी की। अगर एक कंपनी कामयाब हो सकती है तो क्या हम एक किताब रखे खुद की ब्रांड नहीं बन सकते। तो भाई यू आर द योर ऑन ब्रांड, याद रखिएगा आप अपने लिए एक ब्रांड है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बातें नहीं सुननी, क्योंकि लोग आपको हर जगह डिसमोटिवेट करने मिलेंगे। डॉक्टर जी, जी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब डॉक्टर बनना चाहते होंगे, इंशाल्लाह, याद रखिए मेरी बात, स्टेथोस्कोप, वाइट कोट, डॉक्टर, बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए डॉक्टर बनने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए आपको लोगों की तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी, खास कर इस फील्ड के लिए।
वो आपसे हमेशा ये कहेंगे कि नहीं आपसे नहीं हो सकता, मुश्किल है। क्यों? मैंने पहले ही कहा था मेरे फ्रेंड ने 3 अटेम्प्ट किए, उनका नहीं हुआ तो आपसे कहां से होगा? वो भाई फ्रेंड ने दिए ना, मैंने तो नहीं दिए। मेरे फ्रेंड ने ट्राई किया ना, मैंने तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई टारगेट नहीं थी, मेरे पास टारगेट है, मेरे पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मेरे लिए पहले की गई है, मुझे बताए गए हैं, मुझे वो सारे रास्ते पता है जिससे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो आप डॉक्टर जरूर बन सकते हैं, मेरा शर्त है कि आपने लोगों की बातें नहीं सुनी, अपने दिल की बात सुनी। अपने दिल की बात सुनेंगे तब आप खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता हार भी जाते हैं तभी आपकी जमीन आपसे मुतमईन है कि मैंने तो मेहनत की थी, नहीं हुआ वो किस्मत की बात। तो कभी भी ये बातें नहीं भूलनी, इम्पॉसिबल। हम अक्सर कहते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इम्पॉसिबल है ना। तो भाई याद रखें, इस दुनिया में सिर्फ दो काम इम्पॉसिबल है, सिर्फ दो काम। एक, हम गुजरे हुए पेरेंट्स को वापस नहीं ला सकते, और दूसरा हम मौत को शिकस्त नहीं दे सकते। बाकी सब कुछ पॉसिबल है, आपके सामने है। द वर्ड इज पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। हमने सिर्फ दिमाग में बिठाया हुआ है कि ये पॉसिबल है, हमने सिर्फ अपने सोच में बिठाया हुआ है कि ये पॉसिबल है। जिस दिन ये सोच से ये पॉसिबल का वर्ड निकल जाएगा उस दिन हम सही ट्रैक पे आएंगे, और जिस दिन हम सही ट्रैक पे आए उस दिन हम कामयाबी समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अपने अंदर इस डर को निकालो। याद रखिए भाई, इस स्लाइड को जरा गौर से पढ़ते हैं। आजकल की दुनिया आपकी जख्मों पर पायोडीन की बजाय आयोडीन लगाती है। यानी पायोडीन वो मरहम है जो जख्मों पे लगाया जाता है, और पायोडीन एक नमक, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ ये है।